ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸਕਦੇ नवीन नशी बंदी भी है बड़ी परेशानी आ रही है रही बात मैंने आपको फिर से एक बार दोहरा दूं कि जो आपकी डिमांड्स हैं उनमें पहला कहना यही है कि हाईवे पे ऑटो नहीं चलना चाहिए, वो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के वैसे डायरेक्शन है, वो हमने रिलीज भी किए थे वायलेशन सिर्फ आपके ऑटो की नहीं, किसी भी गाड़ी की कोई वायलेशन होती है तो वो कार्य करने के लिए हमारी टीम रहती है, चाहे वो लाके फाइन कराए। वायलेशन का ही है जो ये रोड पे वायलेशन हो गया, 2 करोड़ लास्ट ईयर फाइन हुआ। सर जैसे जम्मू चल रहा है जो अपना जोन सिस्टम किया हुआ जम्मू में प्लेटों में नंबर 1, सर हमें कोई पता नहीं कौन सा रक्षा कहाँ से आ रहा है, कौन से शहर से आ रहा है, कौन से गाँव से आ रहा है। परमिट लेने वाला डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह का भी हो सकता है। हाँ जी, बसोली का आदमी परमिट लेता है तो कोई मना ही, परमिट यहाँ का है उन्हें लिया हुआ, सो इन गाड़ियों में तो परमिट है ही नहीं है, बात समझ रहे हैं। सो ही कैन अप्लाई, एक हाईवे पे ना चलें। और दूसरा जो वायलेशन कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि एक ही चाहे वो एजेंसी वाला आपने 4 ऑटो 5 ऑटो आगे हायर करके दे दिए उसने किसी को, वो उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम सख्ती करेंगे, ठीक है ना। इन्होंने हमें चलना के लिए चलना ही बड़ा मुश्किल हो गया हमें, क्यों हटली मोड़ खड़े होते हैं हम या कालीवड़ी खड़े होती है गाड़ी, आगे सवारी मिलती नहीं, पीछे से आते हैं, कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिना नंबर से उठा के सवारी लेके निकल जाते हैं। हम लोग कहते हैं किस कारण चलें, गाड़ी के कागज़ नहीं भर पा रहे, 40-40 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा है, किस कहाँ से दें, घर से किसी से पकड़ते हैं दे यार गाड़ी के कागज़ भर, कहाँ से भरें, हमारे पास इतनी जो हम बुकिंग बनती थी वो बुकिंग के आजकल हमारी बुकिंग नहीं बनती, 250 बचता हमें, 250 में आजकल टमाटर भी लेने हो तो 200 रुपये किलो टमाटर ही हैं, तो 200 रुपये किलो टमाटर हैं, 200 रुपये में हम टमाटर लेंगे या घर का गैस चूल्हा चलाएंगे, आटा लेंगे या चावल लेंगे, गाड़ी के कागज़ कहाँ भरने हैं, वो भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहा। यही ऑटो से पूछने आए हैं, ये ई रिक्शा चलने के लिए 30 रिक्शे चलने चाहिए थे कठुआ ज़िले में, आज 300 रिक्शा चल रहा है, 300 रिक्शा चलने के काबिल रखने के लिए जगह है, अदर गाड़ी नहीं चल रही, कार चल रही है, मेटाडोर चल रही है, बस चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, चलने के लिए सड़क नहीं है, लोगों के पास गाड़ी में खड़ी साइड में गाड़ी खड़ने के लिए लाइक नहीं, जगह नहीं है, किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने जा रही हो लेके जानी हो तो पहले गाड़ी खड़ने के लिए पहले जगह देखनी पड़ती है, कोई दुकान पर सामान लेने जा सके या नहीं जा सके। एक परमिट लेने के लिए पहले इनकी मीटिंग बैठती थी इधर से लेके जम्मू तक, पहले पूरी टीम बैठती थी परमिट लेने के लिए, ठीक है, 2009 के बाद परमिट कोई इशू नहीं हुआ, आज इन्होंने परमिट कोई परमिट की वैल्यू नहीं रखी, कोई गाड़ी की वैल्यू नहीं रखी इन्होंने, ई रिक्शे सांबा तक मार कर रहे हैं, पठानकोट तक मार कर रहे हैं, क्या वो उस गाड़ी में इतनी ताकत था कोई किसी सवारी को बचा सके, क्या सवारी को नहीं बचा सकती वो, इस कारण हम इनके पास आए थे, इन्होंने बोला पहले भी आए थे डेपुटेशन लेके, आज नहीं पहले भी आए थे, इनको यही बोला था सर हमारा संविधान करो, नहीं होता तो हमें बताओ हम क्या करें, इन्होंने आज फिर इन्होंने हमें सहमति दी है, हम 5 मेंबरी कमेटी बनी है, हमें इनको डिवाइड करना है, वो इनके अब इन्होंने हमें बोला आटियों सामने, हम इनके सुन के ये चले गए, चलो ये इन्होंने कहा अब हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बना के इनको रिक्शे इनको हर जगह खड़े करेंगे, 5-5 रिक्शे हर जगह डिवाइड करेंगे।
जिधर जिधर रूट है वो जहाँ पे रूट दिए हुए हैं 24 रूट दिए हुए हैं वहाँ पे चले तोड़ दे। वो जो प्रधान है बिट्टू प्रधान है उनको वो मानता ही नहीं किसी को, ना पुलिस को मानता वो पुलिस को। ये उस दिन भी हम थाने में बुलाया था SHO साहब ने, उन्होंने उनको पूछा आपको कोई संविधान है कोई प्रॉब्लम है बताओ, ठीक है। इन्होंने मैंने उनको बोला सर इनको 24 रूट दिए हैं, ये 24 रूट पे नहीं चल रहे हैं। ये वो उल्टा पता क्या बोलता है, कहता है ये इन्होंने ऑटो वालों से पैसा लेके इनको रूट सेंक्शन कराया किसी के दबदबा पे आ, किसी के दबदबा आ। हम नॉर्मल बंदे हैं, हम कहाँ से किसी को पैसा देंगे? अपने घर चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किसी को किसी कैसे पैसा देंगे? कहते हैं रिक्शा लेने के लिए एजेंसी पे जाओ ना, एजेंसी पता क्या बोलती है जिधर मर्जी चलाओ हमारा राज है, हमने पैसा दिया हुआ हम जहाँ मर्जी चलाओ, ये हमारे मैं बोल रहा हूँ जिधर मर्जी चलाओ। रणनीति यही है, ये हाईवे बंद करेंगे और क्या होगा। RTO साहब, ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो एक डेपुटेशन लेके आपके ऑफिस में आए थे और उनका ये कहना है कि ई रिक्शा वाले जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, कोई रूट हो या ना हो वहीं पे चले जाते हैं जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहते हैं इसमें? ऐसा है ना कि जो काले ऑटो वाले जो हैं ये ड्राइवर लोग जो हैं, ठीक है, इनके पास परमिट हैं, ठीक है, प्रॉपरली इंश्योर्ड हैं, और कुछ लोग हैं जो वायलेशन भी करते हैं। अलबत्ता जो ई रिक्शा का जो आपने इशू उठाया है इसमें मेरा ये कहना है कि ई रिक्शा के बारे में डिप्टी कमिश्नर साहब भी काफ़ी इसमें संजीदा इन्होंने में एक ट्रैक्शन दी थी कि इनको अब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करें नेशनल हाईवे पे ये ना चलें, क्योंकि इनकी एक तो स्पीड लिमिट बहुत कम है, 25 के ऊपर स्पीड लिमिट इनकी होती नहीं, और ये बिल्कुल ही ये मतलब कि अनसेफ सा ये व्हीकल है नेशनल हाईवे पे। हमने एक डिप्टी कमिश्नर साहब के कहने के ऊपर हमने एक आर्डर भी इशू किया था कि ये नेशनल हाईवे के ऊपर इनको बिल्कुल हमने प्रोहिबिट किया है चलने के लिए। उसके बाद हमने इन्फोर्समेंट भी की और कोई 6-7 ऑटो हमने सीज भी किए थे, तो फिर उनको पेनल्टी डाल के अंडर मोटर व्हीकल एक्ट और उनसे एफिडेविट लिया हमने कि आइंदा ये लोग जो हैं वो नेशनल हाईवे पे फ्रॉम लखनपुर टू लोंडी मोड़ ये नहीं चलेंगे। और अभी भी एक ऑटो मेरे पास सीज अभी पड़ा हुआ है ई रिक्शा जो है, तो इसमें हम टाइम टू टाइम इन्फोर्स कर रहे हैं। आज ही मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि कोई ऑटो जो है ये मेडिकल कॉलेज के पास से ओवरलोडिंग में चल रहा है, तो मैंने अपने RTO साहब को भेजा था वहाँ पे, तो वो उसको ट्रेस कर लेंगे। कितने पैसेंजर अलाउड है इस ई रिक्शा में? ई रिक्शा में तो 4+1 वो 4 पैसेंजर प्लस 1 ड्राइवर। तो हम देखते हैं अक्सर जो है ई रिक्शा वाले वायलेशन करते हैं, क्या इनके इंश्योरेंस होते हैं? कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी क्या आप लोग उठाएंगे या ई रिक्शा वाला उठाएंगे? इसमें ऐसा है ना कि ई रिक्शा जो है ये 25 किलोमीटर की स्पीड पे है, अप टू 5 किलोमीटर इनको चलना है, ठीक है, और इसमें ये प्रॉपरली इंश्योर्ड है, ये डीलर एंड पे इनका रजिस्ट्रेशन होती है, इंश्योर्ड प्लस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पर इनको परमिट नहीं है जी, परमिट नहीं है इनको। अगर कोई इंसिडेंट होता है कोई तो वो तो एज पर रूल जो है वो तो कवर करेगा, उसमें इंश्योर्ड है। इन लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि जो ये ई रिक्शा के डीलर हैं वो कहते हैं आप जहाँ मर्जी चलाएं आपको कोई नहीं रोक सकता, हमारी पूरी सेटिंग जो RTO ऑफिस में है। अच्छा, इसमें कहने से तो कोई कुछ भी कह सकता है, सेटिंग है या नहीं है ये तो कोई भी इल्ज़ाम कोई भी लगा सकता है, ठीक है ना। अब इनके सेट जो प्रोसीजर यही है कि जो डीलर है उसको हमसे डीलरशिप लेनी है, ठीक है, उसके बाद वो ई रिक्शा जो है वो सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने डीलर एंड पे दी है, क्या ई रिक्शा क्या दूसरी व्हीकल जो है वो डीलर एंड पे रजिस्ट्रेशन होती है, और इंश्योरेंस करवाना भी जो ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इंश्योरेंस नहीं करवाएगा तो उसी को नुकसान है और उसका ऑटो जो है वो सीज भी हो सकता है। इनका ये कहना है कि काम बहुत कम हो गया है ई रिक्शा के कारण, डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, हमारा काम जो है उससे कम हो गया क्योंकि ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, जहाँ पे इनका रूट नहीं है वहाँ चलते हैं। तो कब क्या आश्वासन जो है आप इन ऑटो वालों को देंगे, क्योंकि इन्होंने परमिट भी रिन्यू करवाना पड़ता है इनको, तो उसमें जो है इनको काफ़ी दिक्कत जो है वो आ रही है, क्या कहना है आप? नहीं, इसमें ऐसा है ना कि देखो जब पहले बसेस चलती थी, बसेस के बाद मिनी बसेस आई, ठीक है ना, बसेस का अपना इशू बन गया, ठीक है, मिनी बसेस के बाद ये काले ऑटो आ गए, काले ऑटो के बाद अब ई रिक्शा आ गए, ये टाइम के हिसाब से चेंज आती रहती है, ठीक है ना। अब ये ई रिक्शा का जो इशू है ना ये तो एक है इन्वायरमेंटल इशू भी है, ठीक है ना,
पोल्यूशन कम पैदा करता है, वो गवर्नमेंट की ये भी है कि इसको प्रमोट किया जाए, प्रमोट अंडर रूल किया जाए, ठीक है ना। प्रमोशन ये नहीं है कि अंधाधुंध ये कहीं भी जी चाहे वो कहीं भी चल पड़े, ठीक है। इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी हुई है, लास्ट माइल जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ पे ये चलेंगे। फिर भी हमने इनको बोला है कि आप चलो इनको भी अपना घर बार चलाना है, दोनों को चलाना है, एमिकेबली ये दोनों साइड बाय साइड चले। पर फिर भी अगर इनके पहले भी कन्फ्लिक्शन हुए हैं, अब नया कन्फ्लिक्शन आज मेरी संज्ञान में आप लोगों ने लाया है, तो हमने बकायदा एक इन्फोर्समेंट टीम बनाई हुई है अंडर दी सुपरविजन ऑफ ARTO कठुआ। तो टाइम टू टाइम हम इन्फोर्स करते हैं और इनको बाउंड भी करते हैं और चलान भी किए हैं हमने, इनको फाइन भी किए हैं और सीज भी किए हैं। अभी भी एक ऑटो मेरे पास सीज पड़ा हुआ है सर। तो मेरी यही इनका रायत है, यही है कि अंडर रूल ये चले, जो हमने रूट तय किए हुए हैं उसी के ऊपर चले। अगर ऐसा पाया गया कि ये रूट की वायलेशन कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो।